नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की 5th ODI की टीम दूंगा, ड्रीम इलेवन एंड पेसवर दोनों की टीम दूंगा। दोस्तों, इंडिया ने 2 मैच विन किए और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच विन किए हैं, और इसमें ये मैच जो भी विन करेगा वो सीरीज विन करेगा दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों अपना बेस्ट प्ले इलेवन में खेलना चाहेगी। और चलिए बात कर लेते हैं प्ले इलेवन के बारे में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसकी बात करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों की प्लेयर के पिछला मैच में। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं प्ले इलेवन बनाया हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो आप देख सकते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन, क्या पारी खेली शिखर धवन और रोहित शर्मा ने। शिखर धवन ने इस सीरीज में पहला शतक मारा, वो 117 रन मारा दोस्तों, एंड रोहित शर्मा 90+ रन मार के आउट हो गए जल्दी 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 नहीं आउट हो गए, लेकिन शतक पूरा नहीं कर पाए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, शिखर धवन ने 143 रन की पारी खेली थी दोस्तों, मात्र 115 बॉल में, और रोहित शर्मा ओनली 95 रन बनाकर आउट हो गए थे। 3 नंबर बैटिंग करने खेल रहा थे जिसमें 26 रन की पारी खेली थी, और विराट कोहली 4 पर बैटिंग करने आया था, सिर्फ 7 रन बनाकर आउट रखे। विराट कोहली तो भगवान तो है नहीं, जो हर एक मैच में शतक मारे, इसका पिछले मैच शतक नहीं हुआ, 7 पे ही बना के आउट हो गए। फिर इस पंद्रह रन आकर कुछ मारा, 36 रन पारी खेली, फिर कधार रन कुछ रन मारा, 20+ रन मारा, तो ये कुछ रन मारे केदार जाधव और विजय शंकर ने दोनों मिलकर कुछ। विजय शंकर ने 26 रन मारा था और केदार जाधव ने 10 रन मारा था दोस्तों। और चहल ने पिछले में 1 विकेट लिया था, भुवनेश्वर में पिछले 1 विकेट लिया था, कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया था, एंड जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिया था दोस्तों, बुमराह ने 3 विकेट लिया था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से प्लेन में यही होनी चाहिए, क्योंकि शमी भी इंजर्ड है, जडेजा को नहीं खेला गया चहल के कारण, चहल खेले गए तो प्लेन में खेले थे, तो अब बाकी कॉल का कोई कॉल खेलेंगे नहीं तो फिक्स है, तो ये यही प्लेन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेन इलेवन। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेन पिछला में क्या क्या खास बात रहा कि टर्नर ने आके पूरे 84 रन मारे दोस्तों, मात्र 43 बॉल में 84 रन मारे, 5 चौके और 6 छक्के की बदौलत मारे। अगर टर्नर ने इतना परफॉर्म नहीं करता तो इंडिया पक्का विन करता पिछला मैच। क्या करें, क्रिकेट है, अनिश्चितता खेल है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन टर्नर ने उसके लिए इनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी गई। चलिए बात करें, ख्वाजा अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच अच्छा परफॉर्म किया, 91 रन की पारी खेली। फिंच पिछले में फील फेल हो गए, पिछले में रन मारा था लेकिन पिछले में फील फेल हो गए, शर्मा जी फेल हो गए, 7 या 8 कितने मारे थे, ज़्यादा कुछ नहीं मारे। एंड पीटर हैंस को हमने 117 रन की पारी खेली दोस्तों, ये हैंसो की तरफ किसी को ध्यान नहीं जा रहा दोस्तों, लगातार परफॉर्म कर रहा है, पिछले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखा भी दिया। मैक्सवेल ने उतना भी कुछ खास नहीं किया, टर्नर ने 84 रन की पारी खेल दी, LSK 21 रन मारा था और मैक्सो 23 रन मारा था दोस्तों। बाकी पैट कमिंस क्या पता नहीं क्या खा के हैं, पिछले मैच में भी 5 विकेट निकाले दोस्तों पैट कमिंस ने। रिचर्डसन ने भी विकेट निकाले, 3 विकेट निकाले दोस्तों, एडजम्पन ने 1 विकेट निकाले। बाकी बेंड्रॉप पिछले मैच खेले गए थे, लाइन ड्रॉप किया गया था, बेंड्रॉप कोई विकेट नहीं लिया, इस कैमी मैच में लाइन खिलाया जा सकता है लाइन को। बाकी आप देख सकते हैं बेंच में एनी टाइप बेंड्रॉप लाइन में से कोई बेंच में ये हो सकता है दोस्तों, आप प्ले इलेवन में खास यही होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं प्ले स्पॉट टीम की दोस्तों। दोस्तों जिन भाइयों को प्ले स्पॉट खेलना स्टार्ट नहीं किया, यकीन मानिए दोस्तों खेल सकते हैं, आप खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छे ऐप हैं, आज के डेट में लीडिंग फैंटेसी की वेबसाइट बन रही है। क्यों बन रही है, किस लिए बन रही है, आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको 100% रुपये फ्री में दे रहा है, 100% रुपये फ्री में दे रहा है, ठीक है दे भी रहा है, लेकिन आपको ये 100% यूज़ भी करने देगा। आपको बस 100 रुपीज़ देगा ना, तो आप चाहे एक ही मैच में, एक ही लीग में, कोई भी लीग, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, 2 में 3 4 5 जो भी आप लीग खेलते हैं, 100 रुपीज़ मैच लगा सकते हैं, 100 रुपीज़ पैसा लगा सकते हैं एक ही मैच में, क्योंकि 100% बोनस यूजबल है दोस्तों। एक और खास बात है कि ये आपको 5 सेकेंड के अंदर ही आपको पेटीएम में विड्रो मिल जाता है, ये जी दोस्तों 5 सेकेंड के अंदर में पेटीएम विड्रो मिल जाता है। अगर आप बैंक अकाउंट में विड्रो चाहते हैं उसके लिए आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा और पैन कार्ड भी वेरीफाई कराना होगा दोस्तों। यहाँ विनिंग कभी ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं मेरा वॉलेट का बैलेंस, देख सकते हैं इसका
काफ़ी अच्छा भी नहीं होती क्योंकि कंपटीशन काफ़ी लो है दोस्तों। चलिए टीम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, मैंने विकेट के में ऋषभ पंत को लिया है, आप ऑप्शन में आपका अरेस्ट करिए, धोनी नहीं खेलेगा उनको मत लेना दोस्तों, नहीं खेलेगा। ऑलराउंडर मैंने मैक्सवेल को लिया है और विजय शंकर को लिया है, और ऑप्शन में मार्कस धोनी नहीं खेलेगा क्योंकि इंजर्ड हो चुका है, उनका थंब मतलब अंगूठा फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो नहीं खेलेगा दोस्तों, उनको मत भी करना। जडेजा पीछे मैंने ड्रॉप किया गया था चहल के कारण, क्योंकि चहल को खिलाया गया था, तो आप ये भी रिस्की हो सकता है, इनको मत भी करना स्मॉलिंग में। आप केदार जाधव सेफ है, इनको ले सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ मैंने बॉलर में लिया जसप्रीत बुमराह, एंड आप यहाँ से जे रिशन को हटा कर आप यहाँ से केदार जाधव को ले सकते दोस्तों, लेकिन थोड़ी टीम अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन केदार जाधव आप बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों, दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, और आपको पॉइंट्स में पता ही होगा प्लेस पर काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा भी है ड्रीम इलेवन की तुलना में। तो फिलहाल मैं अभी जे रिशन जा रहा हूँ रिशन एंड कुलदीप यादव के साथ जाऊँगा, एंड यहाँ से पैट कमिंस जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। ऑप्शन में आपको सेफ ऑप्शन में आपके पास एन एम जंपा खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, भुवनेश्वर खार जरूर खेलेंगे, एंड यहाँ से चहल भी खेल सकते हैं अगर जडेजा को नहीं खेला गया दोस्तों, बाकी सारे रिस्की रहेंगे दोस्तों। बैट्समैन मिड पीटर को पिछले मैच के हीरो 117 नंबर है रोहित शर्मा, एंड उस्मान ख्वाजा एंड विराट कोहली लिया दोस्तों। एक और बात देखिए, मैंने विराट कोहली को लिया और श्रीकांत धवन को मिस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्रेडिट प्रॉब्लम, आप लेना चले सकते हैं। आप एरन फिंच को ले सकते हैं, वो भी खेलेंगे, टर्नर पिछले मैच के हीरो जिन्हें मैं अपने टीम को विन कराया, और लोकेश राहुल, इनको आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी टीम यही रहेगी दोस्तों, ऋषभ पंत, मैक्सवेल, विजय शंकर, बुमराह, रिचर्डसन, कुलदीप यादव, पैट कमिंस एंड पीटर हैंडसकॉम, रोहित शर्मा, उस्मान ख्वाजा, विराट कोहली। कैप्टन मेरे विराट कोहली रहेंगे, वाइस कैप्टन मेरे रहेंगे कहाँ के मेरे रोहित शर्मा दोस्तों, रोहित शर्मा काफ़ी टच में वो भी आ गए हैं, तो इनको बना रहा हूँ। आपका ऑप्शन बहुत सारे, पीटर हैंडसकॉम है, उस्मान ख्वाजा है, कुलदीप यादव है जो बॉलिंग में, आप बॉलर में लेना चाहें आप पैट कमिंस ले सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल तो नहीं इतना ऑप्शन, लेकिन ये दोनों अच्छे ऑप्शन है, ये टीम रहेगी दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की दोस्तों। दोस्तों एक बात बताऊँ दोस्तों, इसमें आप पब्लिक पोर्ट ही खेला कीजिए, क्योंकि यहाँ विनिंग कभी ज़्यादा होती है, विनिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन लो है। कंपटीशन क्यों लो है, इसमें से वही लीग खेलते, वही प्लेयर सब खेलते, इसमें ज़्यादा आता पैसे होते हैं, और ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं, और जैसे ज़्यादा रिस्क वाले कभी विन करते हैं, और जो सेफ प्लेयर खेलने चाहेंगे वही विन करते हैं दोस्तों, जो सेफ सीरीज खेलते हैं, सेफ और सेफ प्लेयर खेलते हैं, सेफ प्लेयर के साथ खेलते हैं, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं वही विन करते हैं उस पब्लिक पोर्ट में दोस्तों। एक और बात, ये तो डेडलाइन 15 घंटा 31 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये डेडलाइन ख़त्म होगा एक और लीग आ जाएगी इसकी, आपने मतलब टॉस के बाद एक और इसकी लीग आ जाती है दोस्तों, मतलब एक और नया लीग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया को बना देगा नया लीग, इसमें आप जैसे टॉस होगा वैसे प्लेन में पास चल जाएगा, उसके हिसाब से आप सेफ प्लेयर के साथ टीम बना सकते हैं दोस्तों, मतलब दोनों लीग बना रहा है दोस्तों, जैसे ड्रीम इलेवन एक ही लीग बना रहा है, टॉस के बाद ही आप खेल सकते हैं, लेकिन इसमें टॉस से पहले वाले भी लीग है और टॉस के बाद वाले भी लीग आ जाएगा दोस्तों, बन के आ जाएगा। चलिए बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम की तो फाइनल टीम नहीं रहेगी मेरी, क्योंकि प्ले इलेवन आने के बाद कोई भी आने एक्सपेक्टेड चेंज होते हैं, तो मैं चेंज हिसाब से मैं टीम चेंज कर लेता हूँ। अपडेट टीम आपको चाहिए तो अपडेट टीम प्ले इलेवन के बाद, तो आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा दोस्तों, उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों प्ले स्पॉट का भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ भी खेल सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन होकर 100% बोनस ले सकते हैं दोस्तों। चलिए टीम बना लेते हैं। विकेट में सेम जाऊँगा पंत के साथ जाऊँगा, पंत बैटिंग में विजय शंकर सॉरी कोहली, रोहित शर्मा, धवन, उस्मान ख्वाजा एंड पीटर हैंडसकॉम जाऊँगा, एंड ऑलराउंडर में जाऊँगा मैं विजय शंकर सर जाऊँगा, एंड यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल सर जाऊँगा, बॉलर में जाऊँगा बुमराह, पैट कमिंस, एंड यहाँ से मैं जाऊँगा एडम जंपा दोस्तों। आप ऑप्शन में रिचर्डसन है, भुवनेश्वर कुमार है, एंड देखिए मैं कुलदीप यादव को मिस कर रहा हूँ जो काफ़ी अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, अब आपको कुलदीप यादव को लेना है तो आप यहाँ से मैक्सवेल को हटाकर आप यहाँ से लेना पड़ेगा यादव को, उनसे नहीं ले पाएंगे आप, टीम अनबैलेंस हो जाएगी, तो आप चेंज कर सकते हैं, आप बुमराह हटाकर कुलदीप यादव को ले लीजिए दोस्तों,
बैटिंग में कुछ किसी जैसे मैंने वहाँ सिक्का धनुष हटाया प्रेस बोर्ड में, आप यहाँ इसको हटा सकते हैं, लेकिन मैं यही टीम रहेगी दोस्तों मेरी। फिर भी देख लीजिए दोस्तों, ऋषभ पंत, उस्मान ख्वाजा, पीटर हैंडसकॉम्ब, शर्मा, कोहली, धवन, मैक्सवेल, विजय शंकर, पैट कमिंस, जंपा, बुमराह, तो ये टीम रहेगी दोस्तों। कैप्टन मेरा विराट कोहली, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आना चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने दोस्तों। और एक और बात, कोई भी आपको झिझक हो रही है, परेशानी हो रही है प्ले स्पोर्ट खेलने में और कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते हैं, वहाँ मैं जरूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।